पहली बड़ी खबर, 2 से 3 दिन जारी रहेगा सर्च अभियान, मृतकों को 4 लाख व घायलों को 50,000 की मदद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने चैनल फटाफट हिमाचल पर। इस वीडियो में आपको हिमाचल प्रदेश की शाम की सभी खबरें बताई जाएंगी, इसके साथ ही किन्नौर हादसे का निरीक्षण, हिमाचल में भूकंप के झटके, 12 अगस्त की सबसे बड़ी खबरें आपके लिए लेकर आए हैं। तो वीडियो को एंड तक देखें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि इसी तरह की न्यूज़ सबसे पहले आप तक पहुँच सके और वीडियो को हो सके तो एक लाइक जरूर दें। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने वीरवार को जिला किन्नौर के निकलसरी हादसे का जायजा लेने के लिए घटनास्थल का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने इस घटना पर खेद व्यक्त किया और कहा कि इस तरह की घटनाएं एकांत स्थानों पर हो रही हैं। इस हादसे में अभी तक 14 लोगों के मरने की पुष्टि हुई है। इससे पहले भी सांगला बैली के बटसेरी में 9 लोगों की भूस्खलन की चपेट में आने से मृत्यु हो गई थी। मुख्यमंत्री ने कहा सर्च अभियान में 2 से 3 दिन का समय लग सकता है। मुख्यमंत्री ने कहा प्रदेश सरकार की ओर से मृतकों के आश्रितों को 4 लाख और गंभीर रूप से घायलों को 50,000 रुपये दिए जाएंगे। खबर कोरोना से जुड़ी हुई, हिमाचल में 75% आबादी को लगी कोरोना की पहली डोज, लेकिन संक्रमण बढ़ने से चिंता। कोरोना महामारी की तीसरी लहर की आशंका के बीच कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ने से माथे पर चिंता की लकीरें खींच रही हैं। इसमें राहत भरी खबर सामने आई है कि सूबे की 75% आबादी को कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लग चुकी है। राज्य में लगभग 55,23,000 पात्र लोग हैं जिनका कोविड-19 के खिलाफ टीकाकरण किया जाना है। इसी के साथ आपको बता दें प्रदेश में एक्टिव केस 2500 से अधिक हो गए हैं, 2 सप्ताह पहले ये 800 के करीब थे। बड़ी खबर, राजधानी शिमला भूकंप के झटकों से सहमी। हिमाचल प्रदेश में एक और जहां भारी बारिश और भूस्खलन की घटनाओं से डरा हुआ है, वहीं वीरवार को राजधानी शिमला के लोग सुबह 8 बजे आए भूकंप के झटकों से सहम गए। मौसम विभाग के शिमला केंद्र ने इसकी पुष्टि की है। फिलहाल जानमाल का कोई नुकसान नहीं है। जानकारी के अनुसार 7:58 पर भूकंप आया है। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 2.8 मापी गई। वहीं हल्की तीव्रता होने से चलते लोगों को ये झटके महसूस नहीं हुए हैं। भूकंप का केंद्र शिमला से 10 किलोमीटर दूर बताया जा रहा है। अगली बड़ी खबर, कल से हिमाचल आना नहीं होगा आसान, घर आने वालों को भी दिखाने होंगे डॉक्यूमेंट्स। हिमाचल सरकार ने कैबिनेट में राज्य प्रवेश को लेकर बढ़ाई गई पाबंदियाँ 13 अगस्त से लागू हो जाएंगी। पंजाब से सटे उन्नाव में पंजाब के विभिन्न जिलों से करीब 20 रास्तों के जरिए लोग हिमाचल प्रदेश की सीमा में प्रवेश करते हैं। प्रदेश ने सख्त निर्देश दिए हैं। इन आदेशों के तहत अब हिमाचल में प्रवेश करने वाले सभी लोगों को RT-PCR की 72 घंटे की रिपोर्ट या रैपिड टेस्ट की 24 घंटे के भीतर ली गई नेगेटिव रिपोर्ट या कोविड वैक्सीन की दोनों खुराकों का सर्टिफिकेट दिखाना होगा, तभी हिमाचल में एंट्री हो सकेगी। किन्नौर लैंडस्लाइड, पत्थर गिरने के कारण रोका गया बचाव कार्य, मौके पर पहुंचे CM, अब तक 14 शव बरामद। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने गुरुवार को किन्नौर जिले में नेगुलसराय का हवाई निरीक्षण किया। CM जयराम का हेलीकॉप्टर SJVN के झाकड़ स्थित हेलीपैड पर उतरा, इसके बाद वे सड़क मार्ग से घटनास्थल के लिए रवाना हुए। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि केंद्र सरकार से सहयोग से निगुलसरी में मलबे में दबे लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए NDRF व जिला प्रशासन की टीम अथक प्रयास कर रही है। कई लोगों को सुरक्षित निकालने में हमें सफलता प्राप्ति हुई है, लेकिन कई अमूल्य जिंदगियों को हम बचा नहीं सके, जिसके लिए हमें अत्यंत दुख है। किन्नौर के बाद अब मंडी में दरका पहाड़, मलबे की चपेट में आया ट्रक, चालक हुआ घायल। तो दोस्तों, मंडी की खबर आपको पूरा बता दें, किन्नौर के बाद मंडी में कीरतपुर मनाली NH पर मलबा आ गया। इस मलबे की चपेट में ट्रक आया और चालक घायल हो गया। NH पर 7 मील नामक स्थान पर मलबा सड़क पर आ गया, जिससे पूरी रात कीरतपुर मनाली NH बाधित रहा। जानकारी के अनुसार देर रात को पंडो के समीप 7 मील से पहाड़ से मलबा नीचे आ गया। इस दौरान एक ट्रक जो वहां से गुजर रहा था उसकी चपेट में आ गया। चालक को गंभीर चोटें आई हैं। चालक को सिर पर गंभीर चोट लगी है। घायल को 108 एम्बुलेंस के मंडी अस्पताल में लगाया गया। मलबा आने से राष्ट्रीय राजमार्ग बंद है। तो हादसे की तस्वीरें बयां कर रही हैं कि कुदरत का कहर हिमाचल प्रदेश में टूट पड़ा है और वह थमने का नाम नहीं ले रहा, पहले किन्नौर और फिर मंडी। अगली बड़ी खबर, 50 किलोमीटर लंबा जाम, 14 घंटे बाद बहाल हुआ कुल्लू मंडी नेशनल हाईवे, यात्री रहे परेशान। हिमाचल के चंडीगढ़ मनाली राष्ट्रीय राजमार्ग पर करीब 50 किलोमीटर से भी लंबा जाम रहा, जिसके चलते लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। नेशनल हाईवे 14 घंटे बाद बहाल हो पाया। जाम लगने के कारण सब्जियों से लदे ट्रक और अन्य गाड़ियां भी फंसी रही। खबर बिलासपुर से, निर्माणाधीन पुल की शटरिंग गिरी, 2 प्रवासी मजदूरों की मौत। खबर बिलासपुर से सामने आई है, प्रदेश के बिलासपुर जिले में कीरतपुर नेरचौक फोरलेन के तहत मंडी भराड़ी ऋषिकेश को जोड़ने वाला निर्माणाधीन पुल से गिरकर 2 प्रवासी मजदूरों की मौत हो गई। हादसे के बाद मजदूरों को उपचार के लिए चांदपुर निजी अस्पताल में लाया गया, लेकिन गंभीर रूप से जख्मी होने के कारण दोनों की मौत हो चुकी थी। अगर आपको न्यूज़ अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करके जाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।